अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो दिन पहले अपने दोस्तों का बैठा हुआ था मैं, तो एक दोस्त बड़ा खामोश बैठा हुआ। मैंने क्या हो गया भाई तुझे, खैरियत तो है, सब खैरियत है, पेट वेट से चल रहा है? बोले यार बच्ची नहीं मिली। क्या नहीं मिली? बोले बच्ची नहीं मिली। मैंने क्यों, खो गई क्या? बोले यार तू मजे ले रहा है मुझसे बैठ के। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ मतलब क्या, बच्ची 2 साल की थी, 3 साल की, कहाँ चली गई, कहीं स्कूल स्कूल से वापस नहीं है? बोले तू बिला वजह भाई की टेक कर रहा है। मैंने भाई बता दो दे। बोले भाभी नहीं मिली। मैंने तो बोला बच्ची नहीं मिली, भाभी नहीं मिली, मतलब पागल हो गया क्या, घर पूरा का घर सलामे भेज गया क्या? बोले नहीं यार तू समझ नहीं रहा भाई की फीलिंग्स को। मैंने क्या समझा, थोड़ा समझा मैं भी। अच्छा मैं समझ गया, मगर थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश, जो बोलना चाह रहा है वो क्या कह रहा है, मतलब गुनाह का इजहार कर रहा है सबके सामने, मतलब भाई क्या कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वो आजकल इतना रासिक हो चुका कि कोई जा रही होती ना भाभी आपकी, क्या होगी भाभी भाई नीचे आके भाभी देवी, उसको तो पता ही नहीं बेचारी को जा रही है वो, मगर आपको पता है वो आपकी यार, आपने डिसाइड कर लिया वो भाभी आपकी। अब उनसे जाके पूछे खातून कि ये आपके शोहर नामुदार है, वो मानेंगे नहीं, 2 चप्पल मारेंगे आपको। क्यों, उन्होंने डिसाइड नहीं किया ना, आपने डिसाइड कर लिया, उसको डिसाइड करने का मौका दो भाई। और अल्लाह के बंदो, पहले लोगों में ऐसा होता था कि आपको कोई औरत अच्छी लगी तो आपने वालदेन को भेज दिया। अबे रस्ते में कोई करते थे कि भाई वो तुम्हारी भाभी है, और अल्लाह के बंदो कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये तो हो गया आप आम लड़कों में ना, मतलब जैसे लोंडो में, अब आ जाओ आप स्कूलिंग में, मतलब ये कीड़ा बच्चों में कहाँ से आ गया, कहाँ करते हैं ये बच्चे। स्कूल में जाना हुआ, इतफाक हुआ है स्कूल में, तो 7 बच्चे लड़का लड़की बैठे हैं। मैंने बेटा इनको आगे बैठ बिठा दो, आप लड़के साथ बैठेंगे लड़की? नहीं सर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा भाई, दोस्त है मेरी। अच्छी बात है, दोस्त कोई बात नहीं, आप आगे बैठा दो। नहीं ना सर समझे ना, दोस्त है मेरी। मैंने भाई क्या समझ लूँ तेरी बात को, अच्छा क्लिक तो कर गया पॉइंट, मैं मसला ये बच्चों को समझाना कि क्या क्या रहा है वो। सर आप समझ नहीं रहे, दोस्त है मेरी। अच्छा वो भी अल्लाह की निकबंदी बैठी भी साथ, मतलब भाई ये चीज़ सीन हो चुकी है हमारे बच्चों में, मगर हम लोग सोच नहीं रहे कि हम क्या करें। सोचें कि ये गंदगी, ये चीज़ गंदगी नहीं फिलहाल अगर कह सकते हैं, मगर गंदगी इसी कह रहा हूँ कि समझाने के लिए कि ये चीज़ को बच्चों से बहुत दूर रखें। नशोनुमा अच्छी नहीं होती उन पेड़ों की जो गड्ढा के पानी से पड़ते हैं, भलाई का पानी इस्तेमाल करें, अच्छी सोहबत दें बच्चों को, कि गंदा माहौल जो है ना वो बच्चों को नहीं छोड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम।